हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और इजी बनने वाली हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 तुरई लिए हैं, मैं तुरई की सब्ज़ी बनाऊँगी, और एक प्याज लिया है। इसे बनाने के लिए हमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही कम तेल में बन सकती है। आप इसे बहुत ही जल्दी बनाकर खा सकते हैं। चलिए हम पहले इसे अच्छी तरह कट कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए इसको काट के हम अलग रख लेते हैं। देखिए, मैंने तुरई को काट लिया है, इसे अच्छी तरह धोकर थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दिया है। मैंने जो एक प्याज लिया था उसे भी कट कर लिया है और मैं इसमें चना ऐड करने वाली हूँ। तो मैंने चना को भिंगो कर 2-4 घंटे के लिए रख दिया था और हमारा चना बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दिया है गैस पे, देखिए, देख सकते हो आप। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल मैंने आपको बताया था हम बहुत ही कम तेल यूज करेंगे इसमें। तो देखिए, मैं बिल्कुल 1 चम्मच से भी कम तेल यूज कर रही हूँ यहाँ पे। छोटा चम्मच से 1 चम्मच आप ले सकते हैं। देखिए, अब मैं इसमें 1 साबुत लाल मिर्च डाल दूँगी और 1/2 चम्मच के करीब मैं इसमें जीरा ऐड कर दूँगी। ये देखिए, जीरा ऐड कर दिया मैंने। थोड़ी देर के लिए इसे हम लाल होने देते हैं। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज डाल के थोड़ी देर के लिए हमें इसे भून लेना है। हमें प्याज को पूरी तरह लाल नहीं करना है, बस हमें थोड़ी देर के लिए ही इसे भूनना है। देखिए, ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है ये। अब मैं इसमें चना ऐड कर रही हूँ। चना डाल के भी मैं इसे थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। ये देख लीजिए, इसे भी मैंने डाल दिया है। इसे थोड़ी देर के लिए हम चला लेते हैं। बस अब हम इसमें जो तुरई काट के मैंने रखा था, अब मैं इसमें वो डाल देती हूँ। देखिए, मैंने तुरई डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। इसमें मुझे 1/2 चम्मच हल्दी डालना है। ये देखिए, मैं 1/2 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच में धनिया पाउडर ऐड करूँगी इसमें। 1/2 चम्मच में जीरा पाउडर ऐड करूँगी और 1/2 चम्मच में लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। बस हमें बस इसमें इतने ही मसाले डालने हैं और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दें। इसमें हम नमक कम ही डालेंगे, नमक इसमें ज़्यादा नहीं पड़ता है। अब हम इसे अच्छी तरह सारे मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। देखिए, मिक्स कर लिए हैं हम। इसे हमें भूनना नहीं है, हम इसमें अब पानी ऐड कर देंगे। पानी डालकर हमें इसे पकाना है। तो इसमें हम 1 कटोरी के करीब, छोटे कटोरी से पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ये पानी छोड़ता है, तो इसमें हम कम ही पानी यहाँ डालेंगे। और अब हम इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, 5 मिनट बाद हम इसे ढक निकाल के देखते हैं, हमारी सब्ज़ी लगभग रेडी हो चुका है। थोड़ा सा और ये लगेगा, हम इसे पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमें इसे अच्छी तरह मैस करना है इस तरह से और मिक्स करते जाना है। ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सब्ज़ी गरम गरम फुलके के साथ बहुत ही टेस्टी बनती है और ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। बिल्कुल ही कम मसाले और बिल्कुल कम तेल में ये बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए, हमारी सब्ज़ी लगभग रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, क्योंकि अभी इसमें पानी है। जैसे ही हमारा पानी सूख जाएगा, हम इसे बंद कर देंगे। तो थोड़ी देर के लिए अभी हमें इसे और पकाना है और इसे चलाते रहना है। देखिए देखिए, ये रेडी हो चुका है। अच्छा लग रहा है ना इसका कलर। मैं अब यहाँ गैस बंद कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसे निकाल लिया है। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी और बहुत ही ईजी बनने वाली रेसिपी है। आप इसे अपने घर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। इसी तरह मैं आपके साथ नए नए वीडियो के साथ मिलती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।